जी बेटे, अब देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। टॉपिक्स लिख लीजिए, फिर उसके सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास क्या होगा बेटे, देखते जाए हमारे पास क्या होगा। टॉपिक वन आपको एक पॉइंट दे दे, पॉइंट क्या कहेगा, सपोज करो 2, 3 और सपोज करो 4, 5, आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस PQ। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। सेकेंड आपसे क्या कहेगा बच्चे, P दिया हुआ है सपोज करो 2, 3 और इसमें से एक टर्म मिस कर दे, सपोज करो x5, आपसे कहते इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 फाइंड x। एक और क्वेश्चन इसी पे आपसे ये कह देते पी 2, 3 क्यू 4, 5 आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट भी मिस कर सकता है, दो भी कर सकता है, फ्रॉम आर एक्स वाई फाइंड द रिलेशन, फाइंड द इक्वेशन लाइक दिस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्चुअली एक्स और वाई की इक्वेशन बन के आ रही है, तो इस केस में क्या कह रहा है, इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि पी जो है और क्यू जो है उसका डिस्टेंस किससे, आर से इक्वल है, पी एंड क्यू आर इक्विडिस्टेंट। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप करोगे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, दिस डिस्टेंस इक्वल टू फिर जो भी इक्वेशन आए। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है बेटे आपसे, फोर्थ था क्वेश्चन कि नहीं अब हमारे पास क्या है, मोर देन 2 पॉइंट्स है और आपसे कह रहा है शो करो दीज 2-3 पॉइंट्स आर कोलीनियर, ए बी सी कोलीनियर। तो कोलीनियर अगर ये हैं तो हम यहां डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, हम यहां डिस्टेंस निकालेंगे बी सी, हम यहां डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। अगर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू, प्लीज ध्यान रखिए ये जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस। हो सकता है बेटे कि सी आपका पॉइंट इधर आ जाए, तो इन दैट केस क्या होगा, ए यहां हो गया, बी यहां हो गया और सी यहां हो गया। अब क्या होगा, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, हो सकता है ए यहां चला जाए, अब क्या होगा सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, हमें नहीं मालूम कौन सी पोजिशन कहां है। हम क्या करें, इफ सम ऑफ एनी टू पॉइंट्स, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड वन, अगर सपोज करो ये 3 आया, ये 5 आया और ये क्या आया, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके पास बेटे कोलिनियर नहीं होता उस केस में ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम हमेशा थर्ड से क्या होगा, इक्वल नहीं आए, इक्वल तभी हो सकता है जब पॉइंट्स कोलिनियर। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस हमसे कहेगा कोलिनियर शो करो, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे। फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप क्वेश्चन आता है कि अगर ये कोलिनियर नहीं है तो फिर ये आपके ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे, तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो ठीक है बट आप बताओ कौन सा ट्राइंगल। अगर तीनों डिस्टेंस अलग है, ठीक है, ए बी बी सी ए सी कोई भी किसी के इक्वल नहीं, ऑल आर डिफरेंट, तो फिर आपका ट्राइंगल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अगर एनी टू इक्वल ए बी इक्वल्स टू बी सी तो आपका ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेल्स, इफ ऑल थ्री आर इक्वल ए बी बी सी इक्वल्स टू ए सी तो आपका ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलेटरल। और इवन अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, जो भी आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आएगा, जैसे यहाँ 8 आ रहा है तो 8 का स्क्वायर अगर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर के इक्वल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड स्क्वायर, तो फिर ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, फिर ये राइट। और फिर लास्ट हमारे पास एक और आ जाएगा, अगर हमारे पास 3 से भी ज्यादा पॉइंट्स हो जाएं,
ठीक है, तो आपके पास फोर पॉइंट्स हो जाए। तो आपसे कहेगा कि क्या ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास सिक्स डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, फोर साइड्स एंड टू डायगोनल्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स क्या है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस, दिस साइड इक्वल्स टू दिस, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इट इज सिंपल पैरेललोग्राम। क्या ये सिंपल पैरेललोग्राम? अगर ये रेक्टेंगल है फिर आपको सिक्स डिस्टेंस निकाल, अगर ये भी नहीं है अपोजिट साइड भी इक्वल है तो आप कह दीजिए इट इज सिंपल क्वाड्रिलेटरल, नॉट ए पैरेललोग्राम। हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी ना हो। अब अगर आपके पास क्या है ए बी सी डी, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल भी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तब ये रेक्टेंगल। तो क्या है, अगर चारों साइड इक्वल है, इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो फिर ये रोम्बस, फिर ये क्या है रोम्बस। ये क्या था रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, आ गया समझ में, तो ए सी इज इक्वल टू बी, तब ये बेटे स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास पहली एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस प्लस, आप ये भी कह सकते हैं एक्स का डिफरेंस और वाई का, उनके स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे ये आपके पास सिक्स टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकलवाए, डिस्टेंस दिया पॉइंट निकलवाए, इक्विडिस्टेंस दिया इक्वेशन बनवाए, कोलिनियर कराए, टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछे या टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पूछे। सो नोट करिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं वीडियो।